हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे और नई क्लास में एक नए सब्जेक्ट का एंजॉय कर रहे होंगे। तो बेटा, आज हम लोग बहुपद के दूसरे वीडियो में देखेंगे कि बहुपद के गुणांक और उनके शून्यकों के मध्य क्या संबंध होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। लेकिन इससे पहले, जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी गुरुदक्षिणा के रूप में चैनल वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जैसे आप और आपके दोस्त सभी लाभान्वित हों और बोर्ड परीक्षाओं में अधिकाधिक अंक प्राप्त करें। तो आइए देखते हैं, इसको समझते हैं। तो देखिए, किसी भी बहुपद में अगर हम इस तरीके से बहुपद को लिखें कि एक बहुपद है एफ एक्स इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो पिछली क्लासों में हमने जाना कि इस बहुपद में मतलब जो चर होता है उसकी जो सबसे बड़ी घात होती है वो कहलाती है बहुपद की घात। तो यहां पे घात दो है। और पहले इसके पहले वाले वीडियो में अगर उसे आप ना देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के पहला वाला वीडियो आप देख लीजिए। तो इसके दो शून्यक होंगे। शून्यक के बारे में हमने पहले ही बताया कि शून्यक वे होते हैं जिन्हें चर के स्थान पर बहुपद में रख करके उनका सम निकालें, योग निकालें, तो वो शून्य हो जाते हैं, उन्हें शून्य कहते हैं। माने ऐसे मान x के या y के, जो भी आपका चर होता है उसके ऐसे मान जिसको इस बहुपद में रखने पर इसका संपूर्ण मान अर्थात fx बराबर 0 आए, उसे हम बहुपद का शून्य कहते हैं। अब रही गुणांक की बात, तो चर के चर में गुणा किए हुए अचर राशियां गुणांक कहलाती है। अब कैसे गुणांक कहलाती है? अब इसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, क्योंकि सबका अलग अलग गुणांक है, उसे कहते हैं ए व्यापक रूप में। माने जहां भी एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा उसे हम ए के रूप में लिखेंगे। और एक्स का जो गुणांक होता है उसे हम कहेंगे बी। और तीसरा अचर पद जो होता है उसे कहते हैं सी। अगर एक हम कोएफिशिएंट लेते हैं, मान लीजिए एक हमारा बहुपद है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, ये एक हमारा बहुपद है, मान लीजिए इसको px लिख देते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ x। ठीक है, तो यहां पे x स्क्वायर का गुणांक ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर में जो गुणा किया हुआ अंक है यानी गुणांक है वो 2 है, एक्स का गुणांक 8 है माइनस 8, चिन्ह साइड लेते हैं, और जो अचर पद है वो है प्लस 6। यहां पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हर पद, जैसे यहां पे एक पद है 2x स्क्वायर, एक पद 2 प्लस 2x स्क्वायर है, इसका चिन्ह इसके साथ लिया जाता है, और इस पद में चर जो है वो 2 घात का है और जो गुणांक है वो 2 है। दूसरा पद है माइनस 8x, इसमें जो चर है वो x है और उसका गुणांक जो है वो माइनस 8 है। और तीसरा पद वो अचर पद के रूप में है, इसी को अचर पद भी कहेंगे, और ये अचर पद है प्लस 6। इसको ध्यान से देखिएगा, ये बेसिक्स हैं जिसमें हम अधिकतर गलतियां करते हैं। तो जब भी कहीं आपको गुणांकों की चर्चा होगी तो उसके बाएं लिखे हुए गुणांक के बाएं लिखे हुए चिन्ह के साथ आपको लिखना है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा, बाएं लिखे हुए गुणांक के साथ। जैसे 2 का प्लस है, अगर कुछ नहीं लिखा है, पहला पद है तो उसमें प्लस माना जाता है, नहीं तो माइनस लिखा होगा तो माइनस लेंगे, दूसरे में माइनस 8 है और तीसरे में प्लस 6 है। तो ये हुए गुणांक। अब इसमें वे मान जो शून्य कहलाएंगे
उन्हें कैसे निकालते हैं? तो कक्षा 9 में बहुपद के गुणनखंड आपके होंगे। गुणनखंड करने के बाद यक्ष के टर्म में दो गुणनखंड हमें प्राप्त होते हैं। जैसे मान लो इसका गुणनखंड करते हुआ, तो इसका गुणनखंड करने के बाद ये जो बहुपद दिया हुआ है 2x² - 8x + 6, अगर इसका आप गुणनखंड करोगे तो गुणनखंड करने के लिए इसका और इसका गुणा करते हैं सबसे पहले। माने अगर इसके हिसाब से देखें तो a और c का गुणा करते हैं तो 6 × 2 = 12 हो गया। अब 12 के ऐसे दो टुकड़े बनाने हैं कि जोड़ने या घटाने पर 6 आए, वो 8 आए यहां पर। या तो जैसे मान लो 4 × 3 = 12, तो 4 में 3 जोड़ दो तो 7 आता है और 4 में 3 घटाओ तो 1 आता है। तो माने 4 और 3 नहीं ले सकते, भले वो 12 के गुणनखंड हैं। आपको ऐसे गुणनखंड की तलाश करनी होती है जिससे गुणा तो 12 के बराबर हो लेकिन जोड़ या घटाओ बीच में लिखे हुए गुणांक के बराबर। तो यहां पे देखो 6 × 2 = 12, इससे मिल जाएगा 6 का 2 में गुणा करो तो 12 आएगा और 6 में 2 जोड़ो तो 8 आएगा। ठीक है, तो इसे यहां रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2x² - 6x, यहां पे रख दो, केवल 6 रखो अभी, 6 + 2 यहां x प्लस 6 याद आ गया होगा, क्लास 9th में हम लोग ऐसे ही किए थे। 2x² - 6x - 2x + 6, अब यहां पे करेंगे 2x कॉमन ले लेंगे, यहां आ जाएगा x - 3 और यहां -2 कॉमन लेंगे, ये होगा x - 3। ब्रैकेट के लगाने से पहले अगर बाहर प्लस माइनस कॉमन आ रहा है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे दोनों के। देखो इस x का माइनस प्लस हो गया और इसका माइनस हो गया। इस तरीके से हमें दो गुणनखंड प्राप्त हुए 2x - 2 और x - 3, ये दोनों गुणनखंड प्राप्त हुए। अब इनका अगर आपको शून्य प्राप्त करना है तो शून्य प्राप्त करने के लिए इन मानों का 0 के सापेक्ष अलग अलग मान लिखते हैं। 2x - 2 = 0, तो 2x = 2, तो x = 2/2 = 1। ठीक है, और दूसरा मान x - 3 = 0, तो x = 3। ठीक है, तो जो ये x के दो मान आए 1 और 3, ये कहलाएंगे x के शून्य, बहुपद के शून्य। इस बहुपद का जो शून्यक है वो है 1 और 3। इस बहुपद का शून्य क्या हुआ? 1 और 3। और जो गुणांक है वो है +2 - 8 + 6, इनके बीच एक रिलेशन दिखाना है कि क्या संबंध होता है, इनके बीच क्या संबंध होता है ये अब हमें बताना है। ठीक है, अभी तक आपने जाना कि घात क्या होती है बहुपद की, शून्य कौन होते हैं जिन्हें बहुपद में रखने पर बहुपद के पूरे मान को 0 कर दें वो शून्यक है। जैसे यहां पर 1 शून्यक है और 3 शून्यक है, अगर आप इसमें 1 रखते हैं तो देखिए पीएक्स का मान क्या होगा, 2 × 1 - 8 × 1 धन 6, ये हो गया 2 - 8 = 6। अब 6 और 2 दोनों धन के हैं, जोड़ देंगे तो 8 - 8 = 0। यही मान 3 को भी रखने पर यहां होगा, तो ये मान कहलाएंगे आपके शून्यक। ये दोनों मान आपके शून्यक हैं और ये तीनों मान आपके गुणांक हैं जो बहुपद में x² x और अचर पद के रूप में लिखे होते हैं। x² के बगल x के बगल और तीसरा अचर पद के रूप में ये गुणांक लिखे होते हैं और इस तरीके से हम निकालते हैं शून्य। इन्हें कहीं पर शून्य कहा गया है, कहीं पर x के मान कहा गया है, कहीं पर समीकरण के मूल कहा गया है। इनके एक ही मान संख्या वही है लेकिन अलग अलग चैप्टरों में इनके अलग अलग मान हैं। इन्हें x का मान भी कहा जाता है, बहुपद का शून्यक भी कहा जाता है और समीकरण का मूल भी कहा जाता है। जब समीकरण आएगा तो बताएंगे कि बहुपद और समीकरण में क्या अंतर होता है। तो इतने से पार्ट में अभी आपने जाना कि गुणांक क्या है और शून्य क्या है। ध्यान से देखिएगा, गुणांक वो है जो x² के बगल लिखे हो, x के बगल लिखे हो और अचर पद के रूप में हो। शून्य कैसे मिलेंगे? गुणनखंड करने के पश्चात जो दो गुणनखंड या तीन गुणनखंड, अगर त्रिघात बहुपद होगा तो 3 गुणनखंड आएंगे, चतुर्थ घात बहुपद होगा तो 4 गुणनखंड आएंगे, और उन्हें अलग अलग 0 के बराबर करें
और जीरो के बराबर करने के बाद एक्स के या वाई के जिसके पद में आपका बहुपद होगा अगर मान निकाले तो वो मान जो मान आएंगे वो शून्य कहलाएंगे, उन मानों को बहुपद में रखने पर उन्हें जीरो कर देगा। अब आइए समझते हैं कि गुणांक और जो शून्य होते हैं उनके मध्य क्या संबंध होता है। तो आगे देखो, अब यहां मान लो, यहां पर मान लो कि हमारे पास कोई एक व्यापक बहुपद है, जैसे px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इससे हम सूत्र को समझाने की कोशिश करेंगे। बेटा जो सूत्र होता है वो रटने की चीज नहीं होती है, सूत्र का मतलब है अक्षरों के पद में पहले आप सवाल को समझिए फिर उसके स्थान पर अंकों को रखिए। गणित का एक बहुत बड़ा सिस्टम है कि अगर आप तरीके सीख जाते हैं तो हर एक सवाल आपके लिए आसान होगी, और अगर आप सवालों को रट करके इतिहास भूगोल की तरह कोशिश करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि किताब बहुत है, हर किताब में अलग अलग तरीके के बहुपद दिए होंगे तो सवाल तो बदलती रहेगी, और परीक्षा कराने वाली संस्थाएं बोर्ड से किताबों वाले टीचरों से तो मंद ही नहीं होती है कि आपके स्कूल में वो किताब चलती है तो वही पेपर आएगा। इसलिए आपको तरीके सीखने होंगे, तो तरीका सीखिए क्या होता है। और माना इसके गुणनखंड हम मान लेते हैं कि जैसे पिछले वाले अभी जो अंक वाला किया था उसके गुणनखंड आए थे x माइनस एक, x माइनस तीन, दो x माइनस दो और x माइनस तीन, तो इसके मान लेते हैं कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा है इसके गुणनखंड। ये मान लो हमने इसका गुणनखंड किया और गुणनखंड करने पर x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा आता है, आएगा नहीं, ये अक्षर है इनसे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हम कल्पना कर रहे हैं कि ये हमारा बहुपद है और इस बहुपद के टुकड़े करने पर ये आता है। तब x माइनस अल्फा बराबर जीरो करोगे तो x बराबर अल्फा मिलेगा। अब आपको सवाल करनी है, सवाल में जो ऐसे गुणनखंड आ जाए तो उनको ऐसे जीरो के बराबर करो तो आपको शून्य मिलेंगे। बताने का तरीका यही है, मतलब आपको जो भी बहुपद दिया जाएगा पहले उसका गुणनखंड करो, फिर x माइनस x बराबर बीटा हो गया। अतः बहुपद के दो शून्य के अल्फा व बीटा है, ठीक है। अब इसका संबंध गुणांकों के साथ क्या होता है, तो देखो शून्यकों का योग, अगर इन शून्यकों को जोड़ा जाए यानी अल्फा प्लस बीटा, तो जो मान मिलता है वो गुणांकों में बी के मान के साथ माइनस बी बटे ए के बराबर होता है। अल्फा प्लस गुणांकों का योग जो आप लाएंगे, मतलब जो गुणांक निकाले अगर उन्हें जोड़ेंगे तो आपका जो जोड़ा हुआ मान है वो होगा x का माइनस x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का इसके बराबर आना चाहिए, यही संबंध है। माने आपने पहले गुणनखंड कर लिया, गुणनखंड करने के बाद इस तरीके से दो शून्य निकाल लिया अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा के मान का जो जोड़ है वो किसके बराबर होना चाहिए, माइनस बी बटे ए के, और माइनस बी बटे क्या है, माइनस चिन्ह के साथ यक्ष का गुणांक रखिए, और भले यहां धन हो उससे मतलब नहीं, ये फॉर्मूले में आएगा, मतलब जो भी मान जोड़ने पर आएगा वो होगा यक्ष के गुणांक का ऋण चिन्ह के साथ मान और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी ए इसके बराबर आएगा, और शून्यकों का गुणन माने शून्यकों का अगर हम गुणा करते हैं तो अल्फा बीटा होगा, ये आएगा सी बटे, मतलब अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। कहने का तात्पर्य ये है कि जो शून्यक होते हैं उनका जोड़ माइनस बी बटे ए के बराबर होना चाहिए, तब आपका संबंध साबित हो गया, और जो मूलों का गुणन है वो सी बटे ए के बराबर हो तो आपका संबंध सही हो गया। यही दो संबंध हमें निकालने होते हैं। अब अगर मान लो हमारे पास एक त्रिघात बहुपद है, ये मान लेते हैं जी एक्स बराबर एक्स ए एक्स क्यूब
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जिसके गुणनखंड अब कल्पना में ही हम मानेंगे x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा है, तब शून्य क्या क्या हो जाएंगे, तब शून्य पिछले वाले पार्ट देखा भी जिसमें इसके जैसा देखिए x बराबर अल्फा मिलेगा, x बराबर बीटा मिलेगा और x बराबर गामा मिलेगा। ये त्रिघात बहुपद है तो बहुपद की सबसे बड़ी घात तीन हो गई और बहुपद के तीन शून्य हो गए अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, अब शून्यकों का योग अगर लिखेंगे तो होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, बराबर होगा माइनस बी बटे ए बराबर एक्स क्यूब का गुणांक, ओ एक्स स्क्वायर का गुणांक सॉरी, बराबर होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, फिर होगा दो शून्यकों के गुणन का योग, ये हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, ऐसे भी लिख सकते हो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, बराबर सी बटे ए मतलब x का गुणांक इसमें ऋण चिन्ह नहीं आएगा बटे x क्यूब का गुणांक, और दो दो शून्यकों, दो दो शून्यकों के गुणन का योग है और फिर तीनों का शून्यकों का गुणन ये हो जाएगा अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी अपान ई, मतलब अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। और भी होते हैं चतुर्थ घात के लिए पंचम घात के लिए लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है, तो अगर द्विघात बहुपद होते हैं तो ये है शून्यकों का योग और शून्यकों का योग बराबर दिखाते हैं माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक और शून्यकों का जो गुणन है अल्फा बीटा उसका मान और अचर पद बटे ए का मान अगर बराबर आ जाता है, ठीक है, अगर बराबर आ जाता है तो हम कहेंगे कि कथन सत्य है शून्यकों के गुणांक और शून्यकों के गुणांक और शून्य बहुपद के गुणांक और शून्यकों के बीच संबंध है, ठीक है, और जिनमें नहीं होगा लिखेंगे नहीं है। वही हाल x ये त्रिघात बहुपद जो है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इसके बीच में भी वही क्रियाएं संपादित की जाती है, बस अपने तीन क्योंकि घात तीन होती है जिसमें तीन शून्य आते हैं और तीनों के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपान ए माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक और दो दो शून्यकों के गुणन का योग निकालते हैं अल्फा बीटा अल्फा गामा और बीटा गामा, ये होता है सी बटे ए। देखो ऐसे लिखते हैं अल्फा बीटा अल्फा गामा, एक बार अल्फा का बीटा से फिर अल्फा का गामा से गुणा करके लिखते हैं फिर बीटा गामा, यहाँ पे बराबर सी अपान ए, यहाँ सी अचर पद नहीं है एक्स का गुणांक है तो लिखेंगे एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, फिर शून्यकों का गुणन तीनों का गुणन अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी अपान ए, तो बराबर हो जाता है माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है, तो मतलब ये क्रम माइनस प्लस का ऐसे चलता है पहला माइनस दूसरा प्लस तीसरा माइनस, इसमें भी पहला माइनस दूसरा प्लस उसके आगे है ही नहीं है, तो इस तरीके से हम शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। तो आओ हम इस पे आधारित सवालों को करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि बहुपद है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, इसमें कहा है कि शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए, तो गुणांक हो जाएंगे यहां पे लेंगे ए बराबर, देखो जिसके बगल कुछ नहीं है उसे एक मानेंगे, फिर बी इसे माइनस टू लेंगे, फिर सी ये है माइनस एट और ये सभी क्या है गुणांक है, ठीक है। अब इसका गुणनखंड स्टार्ट करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर, अब देखो ये यहां पे एक है
और यहां पे 8 है, तो 8 और 1 का गुणा कर लो, तो 8 गुणे 1 बराबर 8 आया। अब इसका दूसरा ऐसा गुणा जोड़ो जिसमें गुणा करने पे 8 आए। अब ये तो यही है, 8 में 1 जोड़ो तो 9 हो जाएगा, 8 में 1 घटाओ तो 7 हो जाएगा, और ये एडजस्ट नहीं हो रहा है। इसको कैसे लिखना है, माने चाहे जो भी लिखो यहां पे उसका मान 2 ही रहे। अब जैसे 4 गुणे 2 बराबर 8 होता है, और 4 में से 2 घटाओ तो बराबर 2 आता है, तो यहां पे लिखेंगे माइनस ब्रेकेट में 4 माइनस 2, यहां पे x माइनस 8। अब ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस का भी गुणा होगा और x का भी गुणा होगा, ब्रैकेट के बाहर दोनों लिखे हैं, तो ये होगा माइनस 4x। अब इस ऋण का दूसरे गुणा होगा तो ये हो जाएगा धन 2x माइनस 8। अब यहां पे 4 पद हो गए तो 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। वैसे ये गुणनखंड आप क्लास 9th में सीख चुके हो। अब पहले दोनों पदों में से x कॉमन है, कॉमन का मतलब होता है भाग देना, अलग अलग पदों में जो आप बाहर लिखोगे उससे दोनों पदों को भाग दोगे, तो इसमें भाग दोगे तो बचेगा x, इसमें भाग दोगे तो 4 प्लस। ये ध्यान दीजिए कि दोनों ब्रैकेट के अंदर के पद कॉमन लेने के बाद एक जैसे होने चाहिए और उनके चिन्ह भी एक जैसे होने चाहिए। यहां से 2 कॉमन है तो यहां बचेगा 2 से भाग दोगे तो 2 कट जाएगा x, और 8 को 2 से भाग दोगे तो बचेगा 4। अब देखिए यहां ब्रैकेट के अंदर दोनों तरफ x माइनस 4 है, तो एक ये एक पद है और ये हमारा एक पद है। इन दोनों पदों में ये x माइनस 4 दोनों में एक तरह एक जैसा है, तो दोनों तरफ से x माइनस 4 कॉमन लेंगे। तो अगर x माइनस 4 आपने कॉमन लिया तो बचा क्या यहां पे x, और यहां क्या बचा प्लस 2। फिर यहां लिखेंगे शून्यकों के लिए, x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 4, और दूसरा होगा x धन 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 2। तो यहां दो शून्य काय हमारे, शून्य बराबर हुआ 4 कामा माइनस, तो शून्य मिल गया और गुणांक मिल गए। अब निकालते हैं संबंध, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा ये हो गया 4 प्लस माइनस 2 बराबर आया 4 माइनस 2 बराबर 2, ठीक है। और देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर दूसरी तरफ होता है, आपने निकाला था माइनस बी बटे ए, तो माइनस बी कितना है माइनस 2 बटे 1, माइनस तो सूत्र में है और बी भी माइनस का है तो बराबर आया 2। तो देखो पहला संबंध हमारा स्थापित हो गया। फिर शून्यकों का गुणन डायरेक्ट निकाले तो अल्फा बीटा अल्फा गुणे बीटा बराबर हो जाएगा 4 गुणे माइनस 2 बराबर माइनस 8, ठीक है। और दूसरा दूसरे तरीके से होता है अल्फा बीटा बराबर सी बटे ए, मतलब एक तरफ आप अल्फा बीटा शून्यकों से निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा एक तरफ आप शून्यकों को डायरेक्ट जोड़ रहे हैं कि अल्फा और बीटा का जोड़ कितना आना चाहिए, तो ये है 2। और दूसरा तरीका होता है बिना जोड़े डायरेक्ट अल्फा और बीटा का जोड़ निकाल लेना। वो कैसे निकालते हैं, माइनस बी बटे ए से और सी बटे ए से, तो मूलों का गुणनफल आपने लाया सी बटे ए। अब मूलों का गुणनफल आया है माइनस 8, शून्यकों के माध्यम से आप लेके आए हैं, और डायरेक्ट बहुपद के माध्यम से कितना हो जाएगा माइनस 8 बटे 1, तो ये कितना आया माइनस 8। अब देखिए यहां पर ये वाला मान इस वाले मान के बराबर आ रहा है, माने एक तरफ आप शून्यक को जोड़ के दिखा रहे हैं उतना ही आ रहा है, दूसरा माइनस बी बटे यानी गुणांकों से निकाल रहे हैं तब भी उतना ही आ रहा है। उसी तरीके से शून्यकों का गुणन कर रहे हैं तब भी माइनस 8 आ रहा है, और अल्फा बीटा का मान सी अपान ए से निकाल रहे हैं तब भी आपका आ रहा है, मतलब ये जो शून्यक हैं इन शून्यकों को अल्फा और बीटा कहा जा रहा है। आपने पढ़ा है कि अल्फा और बीटा ऐसे निकालते हैं, तो एक तरीका होता है कि अल्फा और बीटा का
जोड़ माने बिना टुकड़ा किए कैसे निकालेंगे, बिना गुणनखंड किए ही निकाल कैसे निकाल सकते हैं, तो अल्फा और बीटा का जोड़ और गुणा हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कैसे, b बटे ए से और c बटे ए से। तो एक तरफ तो आपको डायरेक्ट निकाल के दिखाना है और दूसरी तरफ आपको अल्फा और बीटा निकाल करके जोड़ करके और गुणा करके दिखाना है, और दोनों से दिखाना है कि देखो दोनों तरीकों से समान आ रहा है। ये तरीका है गुणनखंड करके आपने निकाल के जोड़ा, और ये जो दूसरा तरीका है वो आपने डायरेक्ट निकाल करके यहां पे मान रखा, ठीक है। ये बहुपद से है, ये आपने बहुपद से लिया है डायरेक्ट, ठीक है, बहुपद से। तो इस तरीके से सवालों में हम संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है। और एक और क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से इसको बोर्ड खाली कर लें फिर आपको बताते हैं। बिल्कुल सरल है आपकी कक्षा 10 की मैथ, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी है। आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको इंप्रूव होते जाएंगे और पूरी तरह से हम समझाने का प्रयास करेंगे। और आप कमेंट अवश्य किया कीजिए कि क्या चीजें आपको समझ में आई, क्या नहीं समझ में आई, या फिर वीडियो कैसा लगा। अगर मुझसे कोई कमी हो रही है ताकि मैं वीडियो में और अच्छे से सुधार कर सकूं और आपको पढ़ा सकूं, मेरा उद्देश्य आपको एक अच्छी शिक्षा देना है। और मैं कैसा पढ़ा रहा हूं, आपको कैसा समझ में आ रहा है, ये तभी होगा जब हमारे और आपके बीच बातचीत हो। हम अपनी समझ से बहुत अच्छा पढ़ेंगे। कोई डॉक्टर नहीं चाहता कि उसका रोगी मरे और कोई टीचर नहीं चाहता कि उसका स्टूडेंट्स फेल हो या उसके कम मार्क्स दें। तो इसके लिए स्टूडेंट को भी आवश्यक है कि जो चीजें उसे समझ में नहीं आ रही वो अपने टीचर को जरूर बताए ताकि टीचर उसकी उस समस्या को सॉल्व कर सके। इसलिए देखने के बाद हर एक छात्र का इतना कर्तव्य है कि एक मिनट आप कमेंट बॉक्स में जाइए और वीडियो में जरूर लिखिए कि कैसा लगा आपको, समझ में आया नहीं आया, क्या नहीं आया, कौन सी चीज दोबारा रिपीट होनी है, तो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में उस चीज को रिपीट कर दूंगा, ठीक है। चलो देखो एक दूसरा पीएस वाला, एक बहुपद है हमारा पीएस जो है 4s2। आपके चर बदलते रह सकते हैं, चरों से कोई मतलब नहीं है, 4s+1, ठीक है। आपको तुलनाएं वही करनी है, a बराबर 4, b बराबर -4 और c बराबर 1। ये करके आपने छोड़ दिया, अब गुणनखंड करने हैं। तो देखो 4 × 9 = 4, 4 × 1 = 4। आप चार के ऐसे टुकड़े बनाने हैं, गुड़े करने हैं, जिनको जोड़ने या घटाने पे चार आए, तो 4 × 1 = 5, 4 में से 1 = 3, कोई नहीं आ रहा। अब 2 × 2 = 4 और 2 × 2 = 4, ये आ रहा है, तो इसी को रख लेते हैं। 4s² - 2+2s+1, 4s² - 2s - 2s+1, 2 कॉमन ले ली, 2s, तो ये हो गया 2s - 1, यहां से -1 कॉमन ले, अगर कोई कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन हो जाता है, 2s, ये धन का हो गया और ये ऋण का हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर के दोनों मान एक समान हो गए, अगर एक समान नहीं हो रहा है तो आप गलतियां कर रहे हैं, खास करके यहां पर आप चिन्ह की बहुत गलतियां करते हैं। और दूसरी चीज, चिन्हों के अस्तित्व को ध्यान में रखिए, चिन्ह वैसे ही है जैसे आपकी जाती हुई गाड़ी बाएं जाने की बजाय दाएं घूम जाए, क्योंकि आप मंजिल तक पहुंचेंगे कभी नहीं, ठीक है। अब इन दोनों को फिर से कॉमन लेंगे तो 2s - 1 कॉमन हो गया, पहले पद में से तो बचा 2s और दूसरे पद में से भी कॉमन लेंगे 2s - 1, तो ये आया 2s - 1, माने ये 2s - 1 का एक तरीके से होल स्क्वायर था। तो शून्य ज्ञात करने के लिए लिखेंगे शून्यकों के लिए 2s - 1 = 0, तो 2s = 1, तो s इक्वल 1/2। दूसरा लेंगे 2s - 1 = 0, तो 2s = 1, तो s इक्वल 1/2। मतलब जो शून्यता है आपकी वो आए 1/2 / 1/2, ठीक है। आगे अब अर्थात अल्फा बीटा आ गया, ठीक है। अब यहां लिख सकते हो अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2। चलो अब संबंध निकालते हैं, तो शून्य व गुणांकों के बीच संबंध है।
अब इस संबंध में लेते हैं, छोटा सा संबंध लेते हैं, कि अल्फा प्लस बीटा माने शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर एक बटे दो धन एक बटे दो बराबर एक, ठीक है। अब बहुपद से लें माने डायरेक्ट गुणा, बहुपद से अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अब माइनस बी का मान है माइनस चार बटे चार, माइनस माइनस प्लस यानी चार बटे चार बराबर एक, दोनों में वही सेम है, इक्वल हो गया। अब देखते हैं शून्यकों का गुणन, अल्फा बीटा, अब ये हो गया एक बटे दो गुणे एक बटे दो बराबर एक बटे चार, ठीक है। अब बहुपद से अल्फा बीटा बराबर होता है सी अपान ए। अब सी है एक और ए है चार, एक बटे चार, देखिए दोनों मान समान आए तो हो गया, कुछ भी नहीं है भाई। गुणनखंड आपको आ रहा है तो मतलब उसके बाद तो कुछ भी नहीं, बस ये याद रखना है कि दोनों को बराबर करना है, केवल गुणनखंड आता रहे बस, यहां कुछ भी कठिनाई किसी गुणनखंड में, गुणनखंड करने के बाद जो दोनों मान आ गए वो अल्फा बीटा होते हैं, तो एक बार अल्फा बीटा को डायरेक्ट छोड़ दो, एक बार गुणा कर लो, ये हो गया, फिर अल्फा प्लस बीटा इससे निकाल लो, मानिए मूलों का जोड़ इससे निकाल लो और गुणन निकाल लो, दिखा दो कि दोनों बराबर है, हो गया आपका काम, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आप देख रहे हो कितने आसानी से कितनी सरलता से क्वेश्चन हो रहे हैं। अब मान लो कोई त्रिघात आ जाता है, त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद के लिए भी सेम प्रोसेस करते हैं, बस गुणनखंड थोड़ा सा आपका तकलीफदेह हो जाता है, और कभी कभी बहुपद ऐसे होते हैं उसमें कुछ गुणांक शून्य रहते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के बहुपद हैं, हम आपको सबके बारे में बता रहे हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक बहुपद है, तीसरा क्वेश्चन है 8u, ये PU है हमारा एक बहुपद है U के टर्म, तो आप इसमें कह सकते हो कि तीसरा पद जो है वो जीरो है। अब यहां लिख सकते हैं A, तो जो चर होगा स्क्वायर वाला चर उसका गुणांक जो है वो U है, कोई X ही नहीं, स्क्वायर वाला जो भी गुणांक होगा सबसे बड़ा घात जो होगी उसका गुणांक ए होगा, और यू का गुणांक 8 है तो बी बराबर 8 और सी बराबर 0, ठीक है। अब इसके शून्य निकालते हैं, तो यहां पे हो जाएगा 4u² + 8u, इसमें से 4u कॉमन ले लो तो क्या बचा u + 2, ठीक है। अब शून्य के लिए फोर यू बराबर जीरो, एक गुणनखंड ये हो गया, तो यू बराबर जीरो बटे चार बराबर जीरो, और दूसरा हो गया यू प्लस टू बराबर जीरो, तो यू बराबर माइनस टू, मतलब शून्य अल्फा बराबर जीरो और बीटा बराबर माइनस टू। अब आपको संबंध दिखाना है, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर, जोड़ दो भाई, जीरो प्लस माइनस दो बराबर माइनस दो, बहुपद से माने गुणांकों के रूप में, तो बहुपद से निकालोगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, बी है माइनस आठ, अब बी में माइनस था नहीं तो ये ऋण में ही रह जाएगा, बटे ए का मान चार है, सॉरी यू नहीं है, बटे चार, तो ये आया माइनस दो, देखो दोनों बराबर हो गए। शून्यकों का गुणन अल्फा बीटा बराबर जीरो गुणे माइनस दो बराबर जीरो, बहुपद से अल्फा बीटा बराबर सी अपानी बराबर जीरो बटे चार बराबर जीरो, मतलब जो पद आपको बहुपद में नहीं दिया रहेगा उसके गुणांक के रूप में आपको क्या चुनना है, जीरो, वो ए वाला भी हो सकता है, बी वाला भी हो सकता है और सी वाला भी हो सकता है, ठीक।
ठीक है, आओ आगे देखते हैं। अब जैसे पांचवा सवाल आपको दिया है, टी 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 के टर्म में है टी स्क्वायर माइनस 15, तो इस बहुपद में जो सबसे बड़ी घात है वो 2 है और इसके बगल कुछ नहीं लिखा है, तो यहां पर a बराबर 1 हो गया। अब यहां t वाला पद नहीं है, माने टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4t ऐसा करके नहीं दिया है, मतलब ये ऐसे होना चाहिए था 0t प्लस माइनस 15, ऐसे आप समझ लेंगे कि इस तरीके से लिखा है। अब आप समझ सकते हैं कि b बराबर 0 है और c बराबर माइनस 15 है। तो सारे आपने मान कलेक्ट कर लिए, अब गुणनखंड करिए टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है, तो इसमें तो कुछ कामन वामन है ही नहीं है, तो आप देखिए ऐसे लिख सकते हैं टी का होल स्क्वायर माइनस करनी में 15 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसे आप वर्गांतर बना लीजिए, इसे आप वर्गांतर बना लीजिए, तो वर्गांतर बना लेंगे, पहले पद का वर्गमूल लेके होल स्क्वायर लगाया जाता है और दूसरे का, अगर इसका टी स्क्वायर का वर्गमूल टी हो जाएगा, किसी भी चर का अगर हम वर्गमूल लेते हैं तो उसमें उसकी घात आधी हो जाती है, तो 2 की घात 1 हो गई और उस पर स्क्वायर लगा दिए तो मान नहीं बदला, मतलब आप किसी भी बहुपद के साथ कुछ भी करें, किसी भी संख्या के साथ, मतलब किसी भी समीकरण या फिर बहुपद के साथ कुछ भी छेड़छाड़ करें, लेकिन जो असली मान है वो नहीं बदलना चाहिए। जैसे 10 रुपए के बारे में बताना है तो आप 5 × 5 बता सकते हो, 8 × 2 बता सकते हो, 15 − 5 बता सकते हो, 12 − 2 बता सकते हो, लेकिन संख्या जिसके बारे में आप बता रहे हैं वो 10 ही है और इन सारे मानों का कैलकुलेशन जो है वो 10 ही आएगा, चाहे 2 × 5 बता दो, ठीक है। उसी तरीके से ये अब भी टी स्क्वायर है और ये अब भी 15 है, 15 का वर्गमूल लिया तो वर्गमूल नहीं निकला तो कर्णी लगा दिए, उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर को अगर लगाओगे तो 15 कर्णी से बाहर हो जाएगा, माने कर्णी में 15 गुणे कर्णी में 15 हो जाएगा और 15 × 15 = 225 होगा, जिसका वर्गमूल 15 होगा। अब वर्गांतर से आप जानते हैं कि इसको एक बार जोड़ के लिखा जाएगा और एक बार घटा कर लिखा जाएगा, अब 2 टुकड़े हो गए, वर्गांतर को इस तरीके से तोड़ा जाता है। अब शून्यकों के लिए निकालिए, तो ये हो जाएगा टी माइनस करणी में 15 बराबर 0, तो टी बराबर करणी में 15 और दूसरा होगा टी प्लस करणी में 15 बराबर 0, तो टी बराबर माइनस करणी में 15, तो 2 शून्य का एक अल्फा बराबर करणी में 15 और बीटा बराबर माइनस करनी में 15। चलो करते हैं। अब देखो शून्यकों का गुणन, शून्यकों का योग, तो योग कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आएगा, करनी में 15 प्लस माइनस करनी में 15, तो इसे जोड़ेंगे तो करनी में 15 माइनस करनी में 15 बराबर 0, ठीक है। अब बहुपद से निकालना है तो बहुपद से निकालेंगे गुणांकों के सहारे, तो बहुपद से होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ई। अब यहां पे मान रखेंगे बी का मान 0 है और ए का मान 1 है बराबर 0, देख लो दोनों में संबंध आ गए। अब शून्यकों का गुणन, जब शून्यकों का गुणन निकालेंगे तो ये होगा अल्फा बीटा और इसमें गुणा करेंगे करणी में 15 गुणे माइनस करणी में 15, तो दोनों मान करणी में है तो अंदर के मानों का गुणा हो जाएगा माइनस अंडर रूट 225 और इसका वर्गमूल माइनस 15, माइनस बाहर लगाया 225 का वर्गमूल 15 होता है। अब बहुपद से निकालेंगे तो बहुपद से होगा अल्फा बीटा, मतलब करणी में 15 बराबर सी अपान तो सी यहां पे कितना है माइनस 15 और ए कितना है 1 बराबर आ गया माइनस 15, मतलब दोनों तरीके से हम निकाले तो योग योग के बराबर आया और गुणन
गुणन के बराबर आया। ठीक है, आओ एक त्रिघात की सवाल देखते हैं। अब जो त्रिघात बहुपद का गुणनखंड होता है वो थोड़ा सा कठिन होता है, मतलब शेषफल प्रमेय का प्रयोग करना पड़ता है। तो जैसे देखिए छठवां क्वेश्चन है हमारा, पीएक्स बराबर थ्री एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस ग्यारह एक्स माइनस थ्री के शून्यक। तो इसका शून्यक निकालने के लिए हमें शेषफल प्रमेय का प्रयोग करना पड़ता है। शेषफल प्रमेय क्या है, हमें अपने मन से यहां पर शून्यक ढूंढने होते हैं। जैसे पहले मान लो हम कोई वैल्यू ढूंढते हैं पी वन, तो इसे एक बार एक रख के देखेंगे। अब यहां पे अगर तुलना करें तो a बराबर जो है वो हमारा तीन है, b बराबर माइनस पांच है, c बराबर माइनस ग्यारह है और d बराबर माइनस तीन है। अब यहां पे हम p1 तो तीन गुणे एक की घात तीन अपने मन से रख रहे हैं यहां पे ये वैल्यू, एक की घात दो माइनस ग्यारह गुणे एक माइनस तीन। अब एक की क्यूब एक होगा, ये तीन हो गया, ये माइनस पांच हो गया, ये ग्यारह हो गया, ये माइनस तीन हो गया। अब यहां पे प्लस तीन माइनस तीन कट गया तो वैल्यू आई माइनस सोलह। तो एक जो है वो इसका शून्यक नहीं कहलाएगा, क्योंकि शून्यक तो शून्य कर देता है। तो हमें पहला शून्यक इसी तरीके से ढूंढना पड़ता है, कम से कम एक शून्यक को इसी तरीके से ढूंढना होगा। अब प्लस वन पे नहीं हुआ तो पी माइनस वन पे करेंगे, तो ये हो जाएगा तीन गुणे माइनस एक की घात तीन माइनस पांच गुणे माइनस एक की घात दो माइनस ग्यारह गुणे माइनस एक और माइनस तीन। तो देखो बेटा ये ऋण का हो जाएगा, तीन घात है, ऋण एक आएगा इसका घन करने पर, तीन घात करने पर, और तीन एकन्ना माइनस तीन। ठीक है, और ये जो एक है ये प्लस एक हो जाएगा और पांच से गुणा करेंगे तो माइनस पांच होगा। ग्यारह माइनस का है, माइनस एक के साथ गुणा होगा तो प्लस ग्यारह हो गया और ये हो गया माइनस तीन। ठीक है, अब माइनस पांच माइनस तीन ये जोड़ करके आएंगे माइनस ग्यारह प्लस ग्यारह और इस तरीके से शून्य हो गया माइनस एक, क्योंकि इस पे जीरो आ गया तो अल्फा बराबर एक मिल गया। अब ये शून्यक मिलने के बाद हम दो तरीके से हल करते हैं। अब आगे यही प्रक्रिया फिर से बढ़ा दें, या फिर जो हमारा शून्यक मिला है उस शून्यक को लिखेंगे x बराबर माइनस एक या x प्लस वन बराबर जीरो, और इससे इस समीकरण को अगर हम भाग दे दें तो एक टुकड़ा तो x प्लस वन है और दूसरा टुकड़ा मिलेगा x प्लस एक द्विघात समीकरण, और फिर उस द्विघात समीकरण का गुणा कर लें, गुणनखंड कर लें तो शेष के दो शून्यक मिल जाएंगे। वैसे हमें पहले से ही पता है कि इसके शून्यक तीन और माइनस एक बटे तीन अन्य होंगे, तो P3 अगर निकालेंगे तो यहां पे रखेंगे, ये एक्सपीरियंस होता है बेटा और कुछ नहीं, कि हमें पहले से पता है माइनस फाइव इंटू थ्री की पावर टू माइनस इलेवन इंटू थ्री माइनस थ्री, ये हो गया तीन तिया नौ तिया सत्ताईस और तीन में गुणा करेंगे इक्यासी माइनस तीन तिया नौ नौ पचे पैंतालीस ग्यारह तिया तैतीस माइनस तीन 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 छह पांच ग्यारह और तीन चार तीन सात एक आठ माइनस इक्यासी प्लस इक्यासी इक्वल जीरो। तो आया आपका बीटा बराबर तीन, पी थ्री रखा था आपने, तीसरा लेंगे p माइनस एक बटे तीन बराबर हो जाएगा तीन गुणे x के स्थान पे माइनस एक बटे तीन का क्यूब कर दिया, फिर माइनस पांच गुणे माइनस एक बटे तीन का स्क्वायर कर दिया, फिर माइनस ग्यारह गुणे माइनस एक बटे तीन कर दिया और फिर माइनस तीन, ये हो गया तीन गुणे माइनस एक बटे सत्ताईस और ये हो गया ये माइनस माइनस ये स्क्वायर है तो एक बटे नौ हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस एक बटे नौ और ये हो गया प्लस ग्यारह बटे तीन माइनस तीन। एक और स्टेप चलते हैं, तो यहां पे हो जाएगा तीन इकन तीन तीन नवा सत्ताईस माइनस एक बटे नौ माइनस एक बटे नौ, ठीक है पांच बटे नौ, सॉरी ये पांच बटे नौ माइनस एक बटे नौ माइनस पांच बटे नौ
प्लस 11/3 माइनस 3, ठीक है। अब एलसीएम ले लेते हैं इसका, एलसीएम हो गया 9, ये हो गया माइनस 1, इसका भी आधा हर 9 है तो ये हो गया माइनस 5, और इसका हर 3 है तो 3 9 तो ये हो गया प्लस 33, इसका कोई हर नहीं है तो 1 मानेंगे तो 1 9 9 प्लस 27 माइनस 27। आप यहां पे देखो माइनस 33 प्लस 33 बटे 9 बराबर 0, तो दोस्त तीसरा शून्य मिल गया गामा बराबर 1/3। आप देखो शून्यकों का योग माने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाले तो ये आएगा 3 माइनस 1 माइनस 1/3, ठीक है। अब इसको अगर जोड़ते हो तो लासा लेने के ये हो जाएगा 3 3 9 माइनस 3 1 9 3 और यहां पे माइनस 1, तो 3 में से 9/6 1 5 ये आया 5/3। और बहुपद से करोगे डायरेक्ट गुणांकों के साथ जैसे करते हैं दूसरी स्थिति में, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होगा माइनस 5। यहां पे देखो ए जो है इधर का मिट गया है, यहां पे ए बराबर 3 है बी बराबर माइनस 5 है तो माइनस 5/3 का मान है 3। ये देखो यहां पे लिखा हुआ है ये ए है ये बी है ये सी है ये डी है तो ये आ गया 5/3। दूसरा लोगे गुणनफल का योग अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो देखो अल्फा बीटा अल्फा है तुम्हारा माइनस 1 और बीटा है तुम्हारा 3 तो माइनस 1/3, फिर प्लस बीटा गामा है तो बीटा है 3 और गामा है माइनस 1/3, ठीक है। और फिर है गामा अल्फा मतलब प्लस माइनस 1/3 गुणे माइनस 1, तो ये हो गया माइनस 3, ये 3 से 3 कट गया, ये हुआ माइनस 1 और यहां माइनस माइनस प्लस 1/3, ठीक है। फिर ये हो गया 3 3 9 माइनस 9 और ये हो गया माइनस 3 प्लस 1/3, तो ये हो गया 9 3 11 माइनस 11 हुआ और 1 घट गया तो ये माइनस 11/3, ठीक है। अब बहुपद से अगर लेते हैं डायरेक्ट तो हो जाएगा अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी अपान ए। अब सी अपान ए तो सी कितना है माइनस 11 और ए है 3 तो माइनस 11/3, दो मान मैच हो गए, ये 5/3 ये भी 5/3, मूलों के गुणन का योग दो दो मूलों के गुणन का योग ये भी हो गया। फिर लिखेंगे गुणन अल्फा बीटा गामा तो ये हो जाएगा माइनस 1/3 गुणे माइनस 1/3, तो यहां 3 से 3 कैंसिल हो गया माइनस 1 माइनस 1 ये आ गया प्लस 1। अब हो गया बहुपद से करेंगे डायरेक्ट तो बहुपद से होगा अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी अपान, ठीक है। तो d कितना है माइनस 3 है तो माइनस माइनस 3/3 बराबर 3/3 बराबर 1। तो इस तरीके से आप देखे आपने पाया कि मूलों का योग और गुणांकों का मूलों का योगफल दो दो मूलों का योगफल और गुणांकों से मूलों का योगफल और गुणांकों से प्राप्त किए गए मान बराबर हैं इसलिए दोनों में संबंध स्थापित होता। अब समीकरण कैसे बनाते हैं आइए इसको देखते हैं। अगर हमें मूल दिए हुए हो पहले से हमें मूल पता हो तो हम समीकरणों को कैसे बनाएंगे, ठीक है। मतलब जो बहुपद आपको बनाना होगा उसके लिए पहले से ही आपको मूल दे दिए जाएंगे कि अगर किसी समीकरण के शून्य निम्न है तो आप समीकरण बनाइए तो उस समीकरण को कैसे निर्मित करते हैं। देखिए जैसे आपको मूल दिया हुआ है 1/4 कामा छठवां क्वेश्चन है कि शून्य जो है 1/4 कामा माइनस 1 है तो आप बहुपद द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो शून्य दिया हुआ है माने अल्फा बराबर 1/4 है और बीटा बराबर माइनस 1 है,
ठीक है। तो इस स्थिति में हमारा जो समीकरण होता बहुपद होता है वो बहुपद कहलाएगा। बहुपद बनाने के लिए फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो x स्क्वायर माइनस एक बटे चार माइनस एक x धन एक बटे चार गुणे माइनस एक। तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस, इसको लासा लेके घटाइए, चार एकन्नम चार, इसका जब हर नहीं होता तो सीधा गुणा कर देंगे, चार में से एक घटा माइनस तीन बटे चार, तो ये प्लस तीन बटे चार एक्स और माइनस एक बटे चार बन गया आपका बहुपद। अगर अलग अलग मूल दिए हैं तो ऐसे करते हैं, ठीक है। और जैसे कह रहा है कि शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिए हुए हैं, सातवां है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग आपको दिया हुआ है रूट टू और शून्यकों का गुणनफल आपको दिया हुआ है एक बटे तीन, मतलब ये आपको डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और ये अल्फा बीटा दिया हुआ है, तो और आसान है, हमें जोड़ना भी नहीं है। तो बहुपद हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर, मान रख दो एक्स स्क्वायर माइनस ये रूट टू दिया है तो रूट टू एक्स प्लस अल्फा बीटा एक बटे तीन दिया है, अल्फा बीटा रख दी, ठीक है। जीरो और पांच दिए हैं माने शून्यकों का योग, तो डायरेक्ट लिख लो अल्फा प्लस बीटा बराबर जीरो है और अल्फा बीटा बराबर रूट पांच है, मूलों का गुणनफल दिया हुआ। तो लिखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा सी, एक्स स्क्वायर माइनस जीरो एक्स प्लस रूट फाइव। तो ये क्या हो जाएगा, ये जीरो एक्स है तो जीरो हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस रूट फाइव, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमें शून्य दिए हो तो भी निकाल सकते हैं जोड़ करके और गुणा करके, और अगर शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो तो इस तरीके से हम बहुपद को प्राप्त करते हैं। कुछ सवालें थोड़ा अलग तरीके से होती हैं जिनमें अलग से शून्य एक शून्य दे देता है और दूसरा शून्य का आपसे पूछता है, तो देखिए उसको कैसे करते हैं। इसके बाद आपको बहुपद का लास्ट वीडियो मिलेगा जिसमें समस्त बहुपद को हम कवर कर लेंगे, खत्म हो जाएगा, मतलब एक वीडियो और देखने के बाद आपका बहुपद का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं आप मेरे साथ साथ इसको सॉल्व करेंगे, नहीं तो आगे की वीडियोस आते रहेंगे और पिछला आपका पेंडिंग हो जाएगा। जैसे नौवें क्वेश्चन में कहता है कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लैम्डा का एक शून्य एक बटे दो है, तो लैम्डा का मान निकालो कितना होगा, ठीक है। आप देखो अगर एक शून्य दिया हुआ है तो वो ऑलरेडी शून्य है, तो अगर एक बटे दो इसमें रखें तो इसे जीरो हो जाना चाहिए क्योंकि ये तो शून्य दिया है, तो यहां पर हम रखेंगे अल्फा बराबर एक बटे दो, तब पी एक्स बराबर टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस लैम्डा बराबर जीरो। अब पी एक बटे दो पर इसका मान जीरो होना चाहिए क्योंकि एक बटे दो शून्य है, इसलिए जब हम एक बटे दो रखेंगे तो दो गुणे एक बटे दो का स्क्वायर धन तीन गुणे एक बटे दो धन लैम्डा बराबर जीरो कर देंगे, ये यहां जीरो नहीं होगा, ठीक है। ये हो जाएगा दो गुणे एक बटे चार धन ये पी एक बटे दो का मान है, तो ये दो एक नम दो 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 ना चार और ये हो गया तीन बटे दो धन लैम्डा बराबर जीरो। अब ये हो गया एक बटे दो धन तीन बटे दो धन लैम्डा बराबर जीरो। अब यहां पे इनके हर समान है, अगर भिन्नों के हर समान होते तो हम उसको सीधे जोड़ लेंगे, चार बटे दो धन लैम्डा बराबर जीरो, दो एक नम दो 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 नौ चार। अब ये हो गया दो धन लैम्डा बराबर जीरो, तो लैम्डा बराबर माइनस, ठीक है। समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं।
नौवां देखो, तो दसवां सवाल देखो, कभी कभी थोड़ा सा अलग प्रकार की सवालें आती हैं। बहुपद px बराबर दिया है ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस c और शून्यकों का योग व गुणनफल दोनों 10 हैं, तब ए व सी के मान निकालेंगे। ठीक है, अगर एक शून्य दिया हो और आपसे उसमें कोई पद गायब करके उस पद को पूछ रहा हो तो शून्य का मान पहले रख देते हैं, रखने के बाद पूरे बहुपद को जीरो के बराबर कर देते हैं, तो सिर्फ जो चर बचा होता है उसी का मान संख्याओं के रूप में निकल कर आ जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखो शून्यकों का योग व गुणनफल दोनों दिया है, हमें पता होता है योग अल्फा प्लस बीटा होता है बराबर होता है माइनस बी अपान ए। ठीक है, और यही बराबर दिया हुआ है दस के, तो हम लिखेंगे माइनस बी अपान ए बराबर दस, और माइनस बी का मान यहां पे पांच है, माइनस बी बराबर यहां पे पांच है, बी बराबर माइनस पांच सॉरी। अब यहां पे मान रख दें तो ये हो जाएगा माइनस माइनस पांच बटे ए बराबर दस, या पांच बटे ए बराबर दस, तो पांच बराबर दस ए या ए बराबर पांच बटे दस, बराबर दस से इसको भाग दे देंगे बराबर एक बटे, ये आ गया। दूसरा उसने दिया है अल्फा बीटा बराबर होता है सी अपान ए, और ये मान भी 10 है क्योंकि सवाल में ऐसा ही दिया है उसने कि मूलों का योग व गुणनफल दोनों 10 है, तो मूलों का योग भी 10 ले लिया और गुणनफल भी 10 ले लिए। पहले मान की सहायता से हमने ए का मान निकाल लिया, अब यहां पे सी का मान रखें तो सी का मान तो दिया नहीं है, ए का मान एक बटे दो निकाल चुके हो, ए बराबर एक बटे दो, यहां रखो सी बटे एक बटे दो बराबर 10, तो सी बराबर 10 गुणे एक बटे दो, ये त्रिशा गुणा होगा, दो इकन्नम दो, दो पंचे दस, तो सी बराबर आपका मान आ गया पांच। ठीक है, कुछ सवालों में आपको मूलों को अलग तरीके से ज्ञात करना होता है, तो आओ उनको भी देख लेते हैं। इनको निकालने की कुछ ट्रिक्स भी हैं, जब आपको परीक्षा के लिए तैयारी करा रहे होंगे तो वो ट्रिक्स भी आपको बताएंगे, बस आप पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए, सब कुछ आपको मिलेगा। ग्यारहवां क्वेश्चन है कि 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 के शून्य अल्फा व बीटा, तो अल्फा बटे बीटा व बीटा बटे अल्फा ज्ञात प्लस बीटा बटे अल्फा का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसके दो तरीके हैं हमारे पास। एक तरीका है कि आप डायरेक्ट अल्फा बीटा का मान निकाल लो। ठीक है, चलो देखते हैं, चार तियाई 12 हो गया, अब 12 के ऐसे गुणनखंड करो कि 11 आए, तो 12 इकन्नम 12 और 12 में से एक घटेगा, देखो चार तियाई 12 और 12 इकन्नम भी 12 होता है और 12 में से एक घटा दें तो 11 आता है, तो यहां लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 12 माइनस 1 x माइनस 4, ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस x माइनस 4, यहां पे 3x कॉमन ले ले तो x धन 4 और यहां पे माइनस एक कॉमन ले ले तो ये भी धन का x धन 4। अब दोनों तरफ से अगर x धन 4 कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा 3x माइनस 1। ठीक है, अब शून्य के लिए x प्लस 4 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 4 और 3x माइनस 1 बराबर 0 तो 3x इक्वल माइनस 1 को प्लस 1 x इक्वल 1/3। ठीक है, तो ये अल्फा आ गया माइनस 4 और बीटा आ गया 1/3। अब सिंपल सा काम है, अल्फा बटे बीटा
प्लस बीटा बटे अल्फा, मान रख दीजिए माइनस चार बटे एक बटे तीन, प्लस बीटा का मान है एक बटे तीन बटे माइनस चार। तो भिन्नों के ऐसे एक लगा लीजिए, आपको आसानी होगी। अब इसको पलट सकते हैं, माइनस चार बटे एक गुणे तीन बटे एक बराबर प्लस एक बटे तीन गुणे एक बटे चार माइनस का, ठीक है। ये हो गया माइनस बारह और ये हो गया माइनस एक बटे बारह, ठीक है। अब यहां पर लासा लेंगे इसका, तो ये हो गया बारह, ओ एक बराबर में बारह, बारह बराबर में एक सौ चौवालीस और बारह इकन्नम बारह माइनस एक बराबर माइनस एक सौ पैंतालीस बटे बारह, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से इसकी वैल्यू हमने निकाली, ठीक है। और दूसरा तरीका है कि हमें पता होता है बिना शून्य निकाले कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। तो यहां पे बी का मान जो है वो ग्यारह है और ए का मान तीन है, तो माइनस ग्यारह बटे तीन हो गया और अल्फा बीटा बराबर सी अपान ए, तो सी यहां पे माइनस चार है और ए जो है वो तीन हो गया, ठीक है। अब ये निकल गया, अब हम अपनी वैल्यू को लेंगे अल्फा प्लस बीटा अपान अल्फा। तो अगर इसको लासा लेके जोड़े तो हर हो गया अल्फा बीटा, और बीटा से भाग दोगे बीटा कैंसिल होगा, अल्फा बचेगा ऊपर घोड़ा होगा अल्फा स्क्वायर, अल्फा से भाग दोगे अल्फा कट जाएगा बीटा बचेगा ऊपर आएगा प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो मिलता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, ये एक सर्वसमिका है, ठीक है। टू अल्फा बीटा को पक्षांतर करके इधर ले आए, ये इतना पर बाई होल लिख दिया और इसको दाई होल लिख दिया, तो माइनस का कोई जरूरत ही नहीं है। अब हम लिख सकते हैं तब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपान अल्फा बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा अपान अल्फा बीटा। अब यहां से हम सीधे मान उठा के रख देंगे माइनस ग्यारह बटे तीन का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस दो गुणे चार माइनस चार बटे तीन और बटे माइनस चार बटे तीन अल्फा बीटा का मान, ये हो गया 121 बटे नौ और प्लस ये मान हो जाएगा चार गुनी आठ बटे तीन बटे माइनस चार बटे तीन, ठीक है। ये बराबर हो गया अंश का लासा हुआ नौ, नौ इकन्नम नौ, ये हुआ 121 और तीन तिहाई नौ आठ तीन चौबीस और गुणे माइनस तीन बटे चार, ठीक है। अब यहां पे ये हो गया चार एक पांच दो दो चार और ये माइनस एक सौ पैंतालीस, ठीक है। और नीचे तीन तिहाई नौ कट गया तो ये हुआ चार तिहाई बारह। तो इस तरीके से देखो, चाहे इस विधि से निकालो तो भी आपके मान आ गए, चाहे उस विधि से निकालो तो भी आपके मान आ गए। आप सीधे सूत्र की सहायता से शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणन प्राप्त कर सकते हैं, और या फिर आप गुणनखंड विधि से दोनों अलग अलग शून्य ज्ञात करके इसमें मान रख दीजिए या सर्वसमिका का प्रयोग करके इस तरीके से निकाल लीजिए। तो इस तरीके से आपके बहुपद का ये दूसरा एक्सरसाइज क्लियर हो गया है। इसमें अगर कोई समस्या है तो आप तुरंत देखकर मुझे कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो में हम आप इसको जोड़ करके आपके लिए सवाल भेज देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।